हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज़ न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम पीआईबी एंड द हिंदू। तो आज 28 सितंबर है और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है हमारे सामने, विच इज़ पेज नंबर 1, आर्मी हिट्स अल्टर्स ऑन द म्यांमार बॉर्डर। तो अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहाँ पे, जो म्यांमार का बॉर्डर है, नागालैंड म्यांमार का, वहाँ पे जो नागाज लोग रह रहे हैं उनमें से कुछ इंसर्जेंट्स हैं, उनके साथ अभी झड़प हुई है वहाँ पे मिलिट्री की। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ये जानना है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ये क्या है, किस तरीके से वहाँ पे काम करती है। तो जो आपके नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं, जो आपका पूरा ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी जगह है, यहाँ पे जो नागाज रहते हैं और कुछ जो म्यांमार में रहते हैं, तो इनका इनके कुछ डिमांड हैं, इसको लेकर के इनका जो स्टेट के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो देखिए, 31 जनवरी 1980 को एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इसाक मोयवा और खापलांग, इन तीनों के द्वारा। तो इनमें इनका काम था कि एक ऐसे रीजन की डिमांड ये लोग कर रहे थे, एक ऐसे स्टेट की डिमांड कर रहे थे जो ग्रेटर नागालैंड के तौर पर जाना जाता। अब इसमें इन तीनों ने इसको स्टार्ट तो किया था, बट बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये लोग अलग अलग हो गए। तो ये तीनों ही विंग अलग अलग हो गए आगे चल करके, यानी कि 30 अप्रैल 1988 को ये लोग स्प्लिट हो गए आपस में, और जो खापलांग था तो वो NSCN खापलांग के नाम से जाना जाने लग गया, और ये जो इसाक और मोइवा थे ये लोग आपस में मिल गए। तो NSCN IM एक बन गया ग्रुप, और एक NSCN K का ग्रुप बन गया, अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। और आप लोग, मैंने जैसा कि बताया, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में आप लोग पढ़ेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी इज़ इन पेज नंबर जीएस पेपर 3 का पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है, ये चाहते हैं कि एक नागाज लोगों के लिए एक स्पेशल नागालैंड बनाया जाए, ग्रेटर नागालैंड के नाम से या फिर नागालिम के नाम से, जहाँ पे कि सिर्फ नागाज लोग ही रहें और उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद से करें, ये इनकी पूरी डिमांड है। अभी कुछ दिनों पहले एक अकॉर्ड साइन हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उसमें ये बात हो गई थी कि ये जो नागाज लोग जिन जिन एरिया में रहते हैं इन सारे राज्यों में, वहाँ उन क्षेत्र को एक ऑटोनोमस एरिया की तरह डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और वहाँ पे जो भी रीजनल एरिया में लोग रहते हैं उनको उन पे गवर्नर का रूल रहेगा, और वहाँ पे उनसे पूछे बिना कोई भी रूल वहाँ पे इम्पोज नहीं किया जाएगा। तो ये एक बीच का रास्ता था, क्योंकि देखिए एक नए राज्य की को स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, तो इसलिए सेंटर इनकी ये डिमांड मान नहीं पा रही है। उनका ये कहना है कि हाँ, आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो वी कैन अश्योर यू द प्रोटेक्शन, बट वी कैन नॉट मेक अ स्टेट। तो अब लेकिन उसमें क्या है कि जो खापलांग ग्रुप के लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं है, वो उसको मान नहीं रहे हैं, लेकिन जो इसाक मोइवा हैं वो लोग मान रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप अगर ऐसा भी करते हो, एक ऑटोनोमस रीजन भी बना देते हो, तो आई एम एग्री विद इट। तो वो इस चीज़ को मानने के लिए रेडी हैं। तो फाइनली आपको पता होना चाहिए कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड क्या है, कब फॉर्म हुई है, और इसमें जो लोग हैं मेन जो लीडर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पता रखना है बस। आगे का न्यूज़ देखते हैं, पेज नंबर 1 पर ही है, वेस्टर्न घाट थ्रोज अप अ न्यू स्नेक। तो एक न्यू वैरायटी मिल गई है स्नेक की, और इसको नॉर्थ वेस्टर्न घाट में देखा गया है। फाइन, कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न घाट में इसको देखा गया है, और इसका नाम क्या है? एक्वेटिक रैपडॉप्स इसका नाम है, जो स्नेक है इसका नाम है ये। फाइन, एक्वेटिक इसलिए है बिकॉज ये वाटर में रहता है, और एंडेमिक टू इंडिया है। इसके अलावा ये नॉन वेनोमस है, मतलब जहरीला नहीं है, और 1863 के बाद से इसको अभी देखा गया है, तो ये मिस आइडेंटिफाई हो गया था, बट ये दोबारा से देखा गया है। किन किन राज्यों में है? तो देखिए, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र, गोवा और नॉर्थ कर्नाटका, इन राज्यों में ये जो स्पेसीज है वो पाई जाती है। एक्वेटिक रैपडॉप स्नेक बिलोंग टू द जीनस रैपडॉप्स विच आर एंडेमिक टू इंडिया। तो इनके जो जिस ग्रुप के स्नेक हैं वो पूरा एंडेमिक है इंडिया में। इसके अलावा एक्वेटिक रैपडॉप इज़ फाउंड ओनली इन द लेटराइट प्लेच्यूज ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, गोवा, साउदर्न महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटका। तो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं राज्यों में, इन्हीं रीजन में ये पाया जाता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो अगर इसमें नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन आ जाए, कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाए, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि और दूसरी जगह पे ये नहीं पाया जाता है।
अगला न्यूज़ देखिए, कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव्स बिल अगेंस्ट सुपरस्टिशन। तो काफ़ी अच्छा है ये। अभी तो हालांकि ये बिल को अप्रूव किया गया है, अभी इस पर जब फाइनली एक्ट बन जाएगा तो देखेंगे। लेकिन जान लेते हैं कि ये क्या बिल है। तो कर्नाटका स्टेट कैबिनेट जो उन्होंने इसको पास किया है, ब्लैक मैजिक बिल 2017 और बेटर नोन एज एंटी सुपरस्टिशन बिल। तो एंटी सुपरस्टिशन बिल के नाम से या फिर ब्लैक मैजिक बिल 2017 के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेम ऐसा बिल है जो कि ओडिशा का है। ओडिशा गवर्नमेंट ने भी इस पर काम किया और पास किया उसको, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले। तो ये कर्नाटका का है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर प्रिलिम्स में ही पूछ लिया जाए कि किस राज्य ने किया है अभी रिसेंटली, तो कर्नाटका है जिसने कि इसको पास किया है, अभी कैबिनेट में पास हुआ है ये ब्लैक मैजिक 2017। इसमें क्या है, जितने भी अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं, खास करके वहाँ पे कर्नाटका में एक रिचुअल मनाया जाता है जो कि बैन किया गया है बेसिकली, और काफ़ी न्यूज़ में भी था ये, मेड्स नाना के नाम से ये जाना जाता है। हिंदुज़म में एक रिचुअल है, उसके लिए पूरा ये कॉन्ट्रोवर्सियल इशू तैयार हुआ है। तो इसमें लेकिन एक बात यह है कि जो बिल है इसमें कुछ बातों को इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि इट इज़ नॉट कवर रेगुलेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु प्रैक्टिस, तो इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और पियर्सिंग ऑफ ईयर्स एंड नोज ऑफ द चिल्ड्रन, इसको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। केस लोशन मतलब हेयर रिमूवल जो जैनाज में होता है, उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो एक ये बिल है स्टेट गवर्नमेंट का, अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो बस को ध्यान में रखिएगा, या मेंस में भी लिख सकते हैं कि जो स्टेट है वो अपनी तरफ से भी काफ़ी काम कर रही है मॉडर्नाइज्ड होने की तरफ और जो अंधविश्वास इसको कम करने की तरफ, तो काफ़ी अच्छा है ये। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, CCS क्लेयर्स इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम, पेज नंबर 14 पर है ये। CCS इज़ अ कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इवन अभी आप याद कर लीजिए कि CCS जो है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनकी इस कमिटी 25,000 करोड़ रुपए का एक अप्रूवल पास हुआ है। और उसमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स MPF और 2017-18 और 19-20, तो इन दोनों साल के लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स किया जा रहा है। इसका फीचर क्या है, देखिए, अंडर द स्कीम द इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न वेपन, आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें इसमें मेंशन है वो सब सिक्योरिटी बेस्ड है, चाहे वुमेन सिक्योरिटी हो या फिर वो मॉडर्न वेपन्स की बात कर की जा रही हो, ई प्रिजन प्रोजेक्ट, नेशनल सेटेलाइट नेटवर्क, इतनी सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। इन सब का मॉडर्नाइजेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। इसको किसने पास किया है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पास किया है। न्यू इनिशिएटिव आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द स्टेट, तो इसमें क्या होगा, स्टेट को असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा स्टेट को, ऑफ पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। तो मतलब क्रिमिनल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए और अपने सिक्योरिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए जो जो भी विंग्स काम करती हैं उन सबको इसमें स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा पुलिस स्टेशन विल बी इंटीग्रेटेड टू सेट अप अ नेशनल डाटा बेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, तो एक ऐसा किया जाएगा जहाँ पे कि नेशनल डाटा बेस तैयार होगा क्रिमिनल्स का और कितने क्राइम्स हुए हैं उनका। तो आपको बस ये समझना है कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स है वो एक अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जाएगा, जिसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। और इसमें किसका प्रेजेंस होगा, तो सेंट्रल और स्टेट पुलिस फोर्स का, ठीक है। अगला न्यूज़ देखिए, CSIR बिगेस्ट ग्लोबल डील स्टॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने अभी 75 ईयर्स कंप्लीट किया है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा भी है, प्लेटिनम जुबली मनाया गया है CSIR की तरफ से। और अभी जो हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा ग्लोबल डील साइन किया है CSIR ने, टू ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग टू अ कंपनी इन इथियोपिया। तो एक कंपनी को ये टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे, इथियोपिया की कंपनी है जिसके साथ इनका डील साइन हुआ है CSIR का, और ये कुछ $7 मिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें ये लोग काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एग्रीमेंट विद द मेटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट,
तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है कि CSIR ने ऐसा कोई मतलब एक इनिशिएटिव लिया है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह करेंगे ये लोग तो दूसरी कंट्री के साथ, तो एक बहुत अच्छी बात है ये इंडिया के लिए। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2017, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो इंडिया और USA के बीच में होता है। ठीक है, अभी इसका वाइंड अप हुआ है, अभी 27 सितंबर को इसका वाइंड अप हुआ है, तो उसी के लिए ये न्यूज़ आया हुआ था PIB में। तो हमें क्या जानना है कि युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और USA के बीच का एक्सरसाइज है, आर्मी पार्टनरशिप है, इंडियन आर्मी और जो USA की आर्मी एक दूसरे को कॉपरेट करती है, और जो ये पूरा बायलेटरल एक्सरसाइज है, और मतलब एक सिक्योरिटी स्ट्रेंथन के लिए और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना है हमें इस फील्ड में, उस सब के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है हर साल। ठीक है, तो इस बार ये वॉशिंगटन में किया गया है और अभी ये ओवर हुआ है, तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ है प्रकृति खोज, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रकृति खोज, बट आई एम श्योर आपको याद नहीं होगा बिकॉज आपने इसको रिवाइज नहीं किया होगा। तो देखिए, ये एक ऑनलाइन एनवायरमेंट क्विज है जिसको कंडक्ट किया जा रहा है, ये स्टार्ट हो चुका है 5 सितंबर से ये स्टार्ट हो चुका है और 8 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। तो इसको कौन कंडक्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये एक नया इनिशिएटिव है इनका, किस चीज़ के लिए, टू प्रोवाइडिंग अ यूनिक प्लेटफॉर्म टू द स्कूल स्टूडेंट टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के फील्ड में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो बच्चों के भी के मन में और वो सेंसिटिव हों टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो उसके लिए पूरा ऑनलाइन क्विज है। इसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो UNFCCC और क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस, इन सारे थीम रहेगा, उसी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन फर्स्ट पेज फेज में जो इसमें इन्वॉल्व हैं बच्चे, वो ऐसे बच्चे हैं जो हर स्कूल्स में इको क्लब्स होते हैं, एनवायरनमेंट क्लब्स होते हैं, तो उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो बच्चे उसके मेंबर हैं, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके फर्स्ट फेज में। बाद में इसको ओपन टू ऑल किया जाएगा, बट अभी ये ओपन टू ऑल नहीं है, ये अभी स्कूल्स में जो क्लब्स होते हैं इको क्लब, उसके जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व, उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा। और इसमें क्या प्रोसीजर होगा, तो जो स्कूल्स है वो बच्चों का नाम फॉरवर्ड करेगी, तो मतलब बच्चे इको क्लब में है कि नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ स्कूल नाम फॉरवर्ड करेगी तब जाके उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो स्टेट है, स्टेट उनका नाम रजिस्टर करेगी, वो असाइन किया जाएगा। तो ये इसका पूरा उद्देश्य है अवेयरनेस क्रिएट करना, एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द यंग एस्पिरेंट्स, अमंग द स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट्स, और उनको सेंसिटिव बनाना टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये प्रकृति खोज, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि ये क्या है, तो ये एक ऑनलाइन एनवायरमेंट क्विज है। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर बींग विद मी हेयर, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो, हमारे इस वीडियो में जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत सारे और वीडियोज़ पब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन कराया जाता है अलग से, और एसे पे अलग से आता है, एथिक्स पर अलग से, पॉलिटिकल साइंस पर अलग से वीडियोज़ आती हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे जो जो भी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे। और अगर किसी को, जो लोग दिल्ली में रहते हैं या मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में रहते हैं, उनको IAS की कोचिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर उनको कोचिंग में आके तैयारी करनी है, तो वो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो ईमेल एड्रेस है stepupis14@gmail.com, उस पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट की